हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पहले नाम था फेयर एंड लवली, अब उसको बदल के तेरा क्या होगा लवली, इस तरह से बनाया है इस मूवी का टाइटल। तो इस मूवी में है रणदीप हुडा और इलियाना डिकोज, जो कि लीड रोल में है। इस मूवी का एक कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट तो इस तरह से है कि बहुत से लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। लड़की जब बालिग हो जाती है, जो शादी के लायक हो जाती है, तो देखते जाते रहते हैं। बट देखते हैं उस जैसा कि फ़ोटो जो बताते हैं, जो पिक्चर सेंड करते हैं ना सामने लड़के वालों को, तो वो पिक्चर देख के आते हैं, और आके जब लड़की को रियल में देखते हैं तो वो धोखा खा जाते हैं और वो चले जाते हैं रिजेक्ट करके। तो इसी में इस पर है ये स्टोरी, और अचानक से जो है सो ना ये इस तरह से चलते रहते। तो इस तरह से है इस मूवी का मूवी की स्टोरी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी लग रही है जब ट्रेलर देखा है। तो इसमें इलियाना कॉमेडी में और रणदीप हुडा तो जमे हुए एक्टर है, मंजे भी एक्टर है, तो उनको तो बोल ही नहीं सकते कि उनकी एक्टिंग कैसी रहेंगी। तो ये बात है। और इसमें एक ट्रेजेडी ये हो जाती कि जो जहेज का सामान होता है वो पहुंचा देते, बट वो चोरी हो जाता। मतलब वो लोग, एक लोग आते सामान ले जाते और रहते दूसरे लोग जो आने वाले रहते ले जाने के लिए। तो उसी बेस पे इन्वेस्टिगेशन जब होती, तो उसमें रणदीप हुडा जो ऐसे पुलिस वाले बन के आते हैं, और थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन में उनको प्यार हो जाता है लवली से, लवली जो है इलियाना। तो इसी स्टोरी को पूरी तरीके से बनाया है, और इस ये प्यार और ये लव स्टोरी को, और ये रंग के रिलेटेड जो फ़र्क आया है, जो सोसाइटी में जो चेंज आया है, जो लोग आते हैं देख के चले आते हैं, ये सच में एक रियल कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अभी तो डिजिटल हो गई है लाइफ, तो मालूम हो जाए कि ना पिक्चर्स लेना कितना आसान है। पहले भी ऐसे ही करते थे, बच्ची लड़की काली होती है या लड़का काला होता है, तो फोटो को थोड़ा सा मर्ज करके थोड़ा सा गोरा बताते थे, फिर विटी बोल के बताते थे। तो इस तरह से कि ना चलो अच्छी है, ठीक ठाक बोल के जाके देखते हैं, पर बाद में से बहुत चीज़ें होती हैं कि लड़की का रंग कम है, बहुत हो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट लड़की का रंग कम है। इस तरह से रिजेक्शन होता है, जो रियल में भी होता ही है। रियल लाइफ में इस तरह से स्टोरीज होती हैं, जब शादी होती है तो बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस होते हैं। तो इसी प्लॉट को बनाया है एक रियल स्टोरी पर, मुझे अच्छा लगा ट्रेलर। उसमें कॉमेडी देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पर अचानक से ये ट्रेलर आ गया और इसका कोई भी मतलब प्रमोशन नहीं हुआ, इस मूवी आने वाली है कुछ भी नहीं। अभी 8 मार्च को रिलीज़ होने वाली है ये भी बोल रहे थे, होगा नहीं होगा वो भी नहीं पता। 8 मार्च ज़्यादा दूर भी नहीं है, बट मुझे अच्छा लगा ट्रेलर। आपको कैसा लगा प्लीज़।